हाँ जी हाँ जी, जहाँ ये होंगे जहाँ फिर वो दूजे होंगे, इन्होंने तो लोग अक गए ने इन्होंने को। पार्टी का तो हम पता नहीं लगन दिया भी कि आनी हूँ, चलो जिंदी भी आऊगी ठीक ही दुनिया के नाम। के अमृतसर में किसका जोर है, किस पार्टी का जोर है अभी? झाड़ू वाले का। असल में ना अकाली दल का जोर है ठीक है, लेकिन तरन तार हल्का से खलो रहे हैं खालसा के हैं वो अमृतपाल सिंह मेहरों जी, हम वोट उनको दें। समय के मुताबिक तो केजरीवाल बेस्ट है, वैसे मैं बीजेपी से संबंध रखता था जी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की ओर जा रहे हैं, उसकी वजह क्या है? पाला जो बदलना चाह रहे हैं आप, वजह क्या है? बदलाव। अनाज मंडी के बिल्कुल सामने एक दुकान है, बुजुर्ग हमारे हैं, उनसे बात करेंगे कि किस पार्टी को पसंद करते हैं। हाँ जी बुजुर्ग साहिबान, किसको वोट देने वाले हैं इस बार? समय के मुताबिक तो केजरीवाल बेस्ट है। समय के मुताबिक क्या वजह है कि वो अब अच्छा लगने लगा है पंजाब को? देखो एक बात है, राजनीतिक पार्टियाँ जितने भी हैं सब चोर हैं। सब चोर हैं, कोई एक का नाम नहीं लूँगा जी, जी जी। वैसे मैं बीजेपी से संबंध रखता था जी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की ओर जा रहे हैं, उसकी वजह क्या है? पाला जो बदलना चाह रहे हैं आप, वजह क्या है? बदलाव। उम्मीद है कि कुछ अच्छा होगा? हो या ना हो बदलाव तो होगा, कम से कम नए चेहरों को आप देखना चाहेंगे। भगवंत मान सीएम कैंडिडेट बने हैं, कितना फर्क पड़ेगा? नहीं नहीं मानते। अच्छा नहीं, अच्छा उनको और चेहरा चाहिए। हाँ क्या कुछ लोग कहते हैं कि केजरीवाल आगे बैठे सीएम की सीट पर? नहीं, जब क्या नाम है, जब उसकी मिसेज ने रिजाइन किया था तो हमको यही उम्मीद थी कि केजरीवाल पंजाब में आएंगे और उनकी मिसेज दिल्ली में बैठेगी जी। जी तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि केजरीवाल अगर पंजाब का सीएम आते हैं तो पंजाबी उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे, क्योंकि पंजाबी चाहेंगे कि पंजाबी ही उनका सीएम बने? कर लेंगे। बड़ी बात है बुजुर्ग साहिबान ने कही है कि आम आदमी पार्टी से केजरीवाल जी आए तो काफ़ी अच्छा लगेगा, उनको अच्छा लगेगा। ये उनकी राय, आपकी राय क्या होनी चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और मंडी में अब चलिए। नमस्कार, फिर से स्वागत है कंचन टीवी पर। कंचन टीवी की टीम हेलो पंजाब की अपनी चुनावी यात्रा लेकर पहुंची है और अमृतसर की दाना मंडी, जिसे अनाज मंडी हम आप हरियाणा में कहते हैं, वो दाना मंडी यहां पर है और इसमें हम आए हैं। यहां पर बात करने वाले हैं कुछ दुकानदार हैं, उनसे भी बात करेंगे, मंडी के अंदर भी जाएंगे, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस पार्टी का जोर है, क्या अकाली दल यहाँ से जीत रहा है, क्या कांग्रेस जीत रही है, बीजेपी जीत रही है, या फिर पंजाब लोक कांग्रेस अमरिंदर सिंह की पार्टी, या फिर बसपा जो तकड़ी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है वो जीत रही है, ये सब दिखाने की कोशिश करेंगे। और या फिर आम आदमी पार्टी झाड़ू वाली भगवंत मान की केजरीवाल की पार्टी यहाँ से जीत रही है, वो भी आपको दिखाएंगे। बस बने रहेगा कंचन टीवी के साथ, अभी बहुत सारे लोगों से मिलवाने वाला हूँ। अब मंडी के बाहर दो सज्जन हैं, रिक्शा चला रहे हैं, कुछ सामान लेने निकले हैं, उनसे पूछते हैं किनका जोर है अभी आपके पंजाब में, आपके अमृतसर में? झाड़ू वाले का जोर है। झाड़ू वाले का जोर है, क्या वजह है झाड़ू वाले को पसंद करने की? लोग आते हैं यो होने चाहिए गाड़ी। अच्छा अच्छा अच्छा, क्यों? कांग्रेस भी है, अकाली भी है और आपकी अमरिंदर सिंह की भी पार्टी है। हाँ जी हाँ जी, जहाँ ये होंगे जहाँ फिर वो दूजे होंगे, ठीक है। थोड़ा सा रिक्शा चाहेंगे आप पीछे करें, एक भाई साहब से भी हम बात करें, थोड़ा सा पीछे कीजिएगा आप। हाँ जी वीर जी, किदा जोर है? जोर तो बहुत जोर सारे आते हैं साहब जी। अच्छा अच्छा, इधर इधर वीर जी, इधर तो किदा लगता है केड़ी पार्टी जित रही? पार्टी का तो हम पता नहीं लगन दिया भी केड़ी आउंदी हुण, चलो जिंदी भी आऊगी ठीक ही दुनिया के नाल ही। जोर किदा है? जोर दा तो अपन पता नहीं लगन दिया। नहीं, आपको बता दो है नहीं, किसकी किसका ज्यादा सुनते हैं, किसका नाम ज्यादा सुनते हैं आप? सारे बंदे ही हैं, सारे बंदे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिएगा कहते हैं कि अभी जोर सभी का है, ऐसा वो कह रहे हैं, लेकिन अभी और हैं लोग, उनसे मिलेंगे, बने रहिएगा आप कंचन टीवी के साथ। गेट के अंदर हम हैं और यहाँ पर एक दुकान लगाते हैं, कपड़ों की दुकान है। वीर जी फेरी लगाते हैं आप? नहीं जी, यही लगाते हैं, अड्डा लगाते हैं। यही अड्डा लगाते हैं, सबसे लगा रहे हैं अड्डा 15-20 साल से। आपके अमृतसर में किसका जोर है, किस पार्टी का जोर है अभी? झाड़ू वाले का। झाड़ू वाले का क्या वजह है झाड़ू वाले का जोर है? एक मौका तो देना चाहिए था हर पे, एक मौका। मतलब जो और पार्टियां हैं उनको छोड़ के इस बार दूसरी को झाड़ू को देना चाहेंगे? उनको ही देंगे मौका। हाँ जी मौका। हाँ जी वीर जी, हाँ जी, किसको मौका देंगे इस बार, किसको वोट देने वाले आप, किसको देने वाले हैं? हम तो
अपने हरियाणा में देंगे जब चुनाव होंगे 2024 में। अभी आप बताइए आप किसको देने वाले हैं। हम देने वाले हैं संगा साहब को तरन तारन। संगा साहब ये कौन सी पार्टी से है संगा साहब? अकाली दल। अकाली दल को आप देने वाले हैं। हाँ। क्या वजह है अकाली को आप इस बार सरकार में लेके आने वाले? ना जी सानू पता कोई सरकार बारे, ना सानू पता कोई आप दे संगा साहब बारे पता है। मेरी सुनो गल, इधर मैं करो वेरा मेरा इधर मैं कर, अहीं वीर मेरा प्लस टू कर ली है, 18 साल दी उम्र है, अहीं हुण करन दे आइलेट्स। जी सानू सरकार ना कोई लेना देना नहीं। संगा साहब से मतलब है आपको? मैं कर उनको तरन तारन से है, संगा साहब से मतलब है, वो बता चुके थे, फिर बताने के लिए दोबारा आए हमने उनसे बात। मैं कर इधर मेरी भाई। और वीर जी है हमारे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाशदीप सिंह जी। जी कहाँ से हैं आप? मैं भी तरन तारन से हूँ। किसका जोर है आपके तरन तारन? हमारे जोर तो असल में ना अकाली दल का जोर है, ठीक है, लेकिन तरन तार हल्का से खलो रहे हैं खालसा के हैं वो अमृतपाल सिंह मेहरों। जी मेहरों। हम वोट उनको देंगे। वो किस पार्टी से? वो अकाली दल से या सिमरनजीत सिंह मान की या अकाली पार्टी है, उनको हम वोट देंगे क्योंकि वो बहुत बेहतरीन काम करते हैं। ठीक है, आप कैंडिडेट को देखकर वोट करने वाले? हाँ जी, कैंडिडेट को देखिए, बहुत बढ़िया। देखिएगा माहौल अमृतसर का आपने देख लिया, अनाज मंडी से भी देख लिया, अब फैसला आप कीजिएगा कि किसकी सरकार यहाँ से बनने वाली है, किसका विधायक बनने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोस्त, आपका होस्ट यशपाल खंचन।